दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी YouTube पर काम करते हो, YouTube पर मेहनत करते हो, आप लोग भी YouTube पर वीडियोस बनाते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर YouTube से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 ही जरूरी है देखना। तो इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये वाली वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है मुझे एक लोगों ने मैसेज किया था, ठीक, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है उनका जो चैनल है, उनके चैनल पर मैं आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाता हूँ, ठीक है। इनका चैनल देखिए यहाँ पर ये है, 17,000 के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं चैनल पर और इनका चैनल मोनेटाइज था और मोनेटाइज होने के बाद इन्होंने यूट्यूब से पैसा भी कमाया, यानी कि इन्होंने यूट्यूब से कम 1.5 से 2 लाख रुपया कमाया और कमाने के बाद इनका चैनल यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया। यहाँ पर देखिए साफ चीजें, यूट्यूब ने देखिए इनके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। तो ये अब ये इतना परेशान हो गए कि क्या बताएं, इनका चैनल जो है यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया, क्योंकि इनका चैनल मोनेटाइज था और यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपए इन्होंने कमाया हुआ है, यूट्यूब से अर्निंग भी उठाई, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद इनका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। तो आज की वीडियो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग यूट्यूब पर काम करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग काम करके मेहनत करके अपने चैनल को ग्रो कर लेते हो और आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हो तो उसके बाद आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है जिनको आपको जो है फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो चैनल है, जो मैं चैनल आपको बता रहा हूँ, ये चैनल क्या है, अच्छा खासा देखें इनके सब्सक्राइबर थे 17,673 यार, लगभग 17,500 के आसपास इनके सब्सक्राइबर थे और इनके व्यूज भी अच्छे खासे आते थे वीडियो पर, लेकिन इन्होंने कुछ गलती कर दी अपने चैनल पर जिसकी वजह से इनके चैनल को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया। अब ये जो है अपने चैनल पर वीडियोज बनाना ही इन्होंने बंद कर दिया, अपने चैनल पर इन्होंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि अभी तक ये वीडियो डालते थे, जब तक इनका चैनल मोनेटाइज था तब तक तो ये वीडियो डालते थे और तब तक ये यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका चैनल डीमोनेटाइज हुआ वैसे ही इन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अब ये परेशान हो चुके हैं एकदम से, एक तरह से निराश हो चुके हैं, अब इनको समझ में नहीं आया कि आखिर मैं करूँ क्या। तो यही गलती मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को भी ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको YouTube पर किस तरह से काम करना, कौन कौन सी पॉलिसी को आपको फॉलो करना है और कौन सी पॉलिसी को आपको जो है अपने चैनल पर अप्लाई करना है, कौन कौन से नियम को मानने हैं, क्योंकि YouTube की कुछ पॉलिसी होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, नहीं तो आपका भी चैनल इनकी तरह डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। आप लोग ये मत सोचना कि आपका चैनल अगर एक बार मोनेटाइज हो गया तो आप लोग उस पर कुछ भी अपलोड करो सब चल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आप लोग को अच्छे से काम करना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका भी चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए इनके सब्सक्राइबर देखिए और देखिए अब इन्होंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया। देखिए इन्होंने वीडियो लास्ट वीडियो कब डाली है, देखिए 53 डेज यानी कि 53 दिन पहले, लगभग 2 महीना हो चुके, 2 महीना पहले इन्होंने वीडियो डाली थी। तो आप लोग खुद समझ लो इनके चैनल की अब क्या हालत हो चुकी होगी। अब इनके चैनल को YouTube ने डीमोनेटाइज क्यों किया, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा योर चैनल इज नॉट, कहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखा योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न मनी, यानी कि इनका चैनल अभी करंट में पैसे कमाने के लिए मतलब ठीक नहीं है। यहाँ पर देखो साफ साफ किस वजह से YouTube ने इनके चैनल को डीमोनेटाइज किया, यहाँ पर भी देखिए लिखा व्हाट हैपेंड, ये लिखा व्हाट हैपेंड, यहाँ पर देखिए आफ्टर रिव्यू, ये वाली लाइन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर ये जो चीज है इसके अंदर पढ़िए, आफ्टर रिव्यू योर चैनल, मतलब YouTube ने जब इनके चैनल को रिव्यू किया, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड ह्यूमन रिव्यूअर्स वी फाउंड दैट इट डज नॉट फॉलो YouTube's चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी कि जब YouTube ने इनके चैनल को दोबारा से रिव्यू किया तब YouTube ने पाया कि इन्होंने कुछ जो है इनकी पॉलिसी का उल्लंघन किया था, ठीक, ह्यूमन रिव्यूअर या इन्होंने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम का उल्लंघन किया था जिसकी वजह से इनके चैनल को दोबारा YouTube ने रिव्यू किया और जब YouTube ने पाया कि इन्होंने पॉलिसी को अनफॉलो किया है तो YouTube ने इनके चैनल को तुरंत कर दिया डीमोनेटाइज। और इनके चैनल पर कौन सी पॉलिसी आई है, नीचे देखिए यहाँ पर इनके चैनल पर आई है हार्मफुल पॉलिसी, यानी कि इनका जो कंटेंट है वो हार्मफुल है और YouTube की पॉलिसी के अगेन है जिसकी वजह से इनके चैनल को YouTube ने डीमोनेटाइज कर दिया। और ये किस तरह की वीडियो बनाते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए अब जो इनके चैनल पर मेंबरशिप भी इनके चैनल से सस्पेंड कर दी गई है और इनका चैनल हार्मफुल कंटेंट में आ गया है जिसकी वजह से इनके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो इनको ऑप्शन मिला है रिव्यू करने का, अब वो तो स्ट्राइक आ गई तो अब इनका चैनल तो गया,
लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको किस तरह से काम करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देख लेना। अब ये किस टाइप की वीडियो बनाते थे ये भी आप लोग जान लो, तो ये किस टाइप की वीडियो बनाते थे आप लोग देखिए, हाउ टू रिकवर फेसबुक हैक, योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड, यानी कि एक तरह से जैसे फेसबुक का मतलब जैसे पासवर्ड कैसे पता करना है, फेसबुक की किसकी आईडी किसी कैसे पता करनी है, यानी कि एक तरह से हैकिंग के बारे में बताते हैं यूट्यूब पर, जैसे किसी का अकाउंट कैसे हैक करना है, किसी की चीज़ें मतलब जो बहुत जो मतलब यूट्यूब पर इलीगल है, तो इन्होंने कुछ वैसी वीडियो बना रखी होंगी। अब इनको पता तो होगा नहीं कि आखिर ऐसी वीडियो बनाना यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होता है, तो ये वीडियो बनाते गए, इनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया और इनकी वीडियो लाखों में भी गई, बहुत सारी वीडियो इनकी लाखों में गई जिससे इनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, और इनकी वीडियो सर्चेबल भी थी जिससे ये महीने की इनकम जनरेट कर रहे थे, और 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने के बाद यूट्यूब ने इनके चैनल को दोबारा से रिव्यू किया और पाया कि ये तो पॉलिसी के खिलाफ है इनका चैनल, इनका कंटेंट हार्मफुल है, तो इनको तुरंत स्ट्राइक दे दी और इनके चैनल को कर दिया डीमोनेटाइज। अब ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको स्ट्राइक नहीं हटेगी तब तक आप लोग क्या कहते हैं अपील नहीं कर सकते हो। तो ये किस टाइप का कंटेंट बनाते थे, ये मतलब प्राइवेसी से रिलेटेड, जैसे फेसबुक किसी का आईडी कैसे पता करे, पासवर्ड कैसे पता करे, व्हाट्सअप कैसे हैक करे, ये सारी चीज़ें बताते थे जो कि यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ होती है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग टेक कैटेगरी में काम करते हैं, तो आप लोग हैकिंग के बारे में कभी भी मत बताना यूट्यूब पर, कुछ पॉलिसी होती है ठीक है, जैसे कि हैकिंग के बारे में आपको नहीं बताना है, किसी की जैसे प्राइवेसी को लीक करने के बारे में नहीं बताना है, फोन कैसे किसी का हैक करें, व्हाट्सअप कैसे हैक करें, किसी के डाटा कैसे हैक करें, या जैसे साइबर से रिलेटेड इन सारी चीज़ों पर आपको वीडियोज़ नहीं बनानी है, समझ रहे हो, प्राइवेसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ नहीं बनानी, साइबर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उस पर वीडियो नहीं बनानी, किसी का डेटा कैसे हैक करते हैं इन सारी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ कभी नहीं बनानी। नहीं तो अगर आप प्रेजेंट टाइम पे तो वीडियो काम करोगे, प्रेजेंट टाइम पे तो आप लोग मेहनत करोगे, वीडियोज़ बनाओगे, आपका चैनल भी हो सकता है मोनेटाइज हो जाएगा, आप लोग पैसे भी कमा लोगे, लेकिन आगे चल के आपका चैनल जो है जब यूट्यूब दोबारा से रिव्यू करेगा ना, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देगा और आपके चैनल को स्ट्राइक भी दे देगा, और अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक पड़ गए तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है, हो सकता क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर डिलीट हुए हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक सबसे बड़े यूट्यूबर की बात बताऊं, टेक चैंपियन सपोर्ट जानते हो, यूट्यूब वाले बाबा, उनका चैनल 2.4 मिलियन के आसपास चैनल था, वो डिलीट हो चुका है यूट्यूब से, अब उन्होंने नया चैनल क्रिएट किया है, तो वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो किस तरह से देखिए बड़े बड़े लोगों के चैनल डिलीट हुए हैं, तो इसलिए आप लोग को भी सही तरीके से काम करना है। अब इनका चैनल तो गया, अब ये भाई परेशान हो चुके हैं, एकदम से निराश हो चुके हैं, और देखिए इन्होंने वीडियोस डालना ही बंद कर दिया, 2 महीने हो गए इनके चैनल पर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो जो है आप भी अगर यूट्यूब पर काम करते हो तो सही तरीके से काम करना है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है, कौन कौन सी पॉलिसी होती है मैंने आपको छोटी छोटी जो मेन पॉलिसी होती है वो मैंने आपको बता ही दिया ठीक है। सबसे पहले हैकिंग के बारे में नहीं बताना है, किसी की प्राइवेसी नहीं लीक करनी है, डाटा कैसे हैक होता है वो नहीं बताना, डाटा किसी का लीक नहीं करना है, मतलब फेसबुक से रिलेटेड अकाउंट किसी का नहीं उसके बारे में नहीं बताना, कैसे हैक होता है व्हाट्सअप कैसे हैक होता है, सारी चीज़ें नहीं बतानी, और सेक्सुअल कंटेंट कभी नहीं आपको दिखाना है अपनी वीडियो में, या कभी इस पर चर्चा नहीं करनी है, और मतलब और जैसे कोई बैटिंग वाली चीज़ें होती हैं या अर्निंग वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखानी यूट्यूब पर, ये सब पॉलिसी के खिलाफ होती हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको काम नहीं करना है। बाकी आपको और भी आगे YouTube से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आप लोग भी YouTube पर अवेयर रहो और YouTube पर अच्छे से काम करते रहो। क्योंकि अगर आप लोग भी YouTube पर लंबे टाइम तक अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, YouTube पर लंबे टाइम तक काम करने की सोच रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आप लोग को भी सीखने को मिलता रहा YouTube पर और आप लोग भी YouTube पर काम करते रहो। बाकी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। बाकी आप लोग को अगर YouTube से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरी Instagram ID मिल जाएगी और मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, और कोई भी हेल्प चाहिए तो जाके मैसेज करो। बाकी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोग इस वीडियो से जानकारी ले पाएं, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर आपको देखो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे जो है YouTube से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आप लोग को भी सीखने को मिलता है, चैनल के बारे में पता चलता है, कैसे काम करना है YouTube पर, किस तरह से मेहनत करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक मेरी वीडियो आपको मिलेगी नहीं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना जिससे जो है मेरी वीडियो आप तक मिलती रहे।
बाकी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, मेरे आपको चैनल पर इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक जो है नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मेरा, जाके फॉलो कर लो और कोई भी हेल्प चाहिए तो मैसेज करो। तो चलिए फिर आज की वीडियो से इतना ही, आप लोग से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक।